क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अगर मतदाताओं की बात करें तो 92,609 मतदाता जो है प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। कुल मतदाताओं में से 725 सर्विस वोटर, वृद्ध और अक्षम लोगों ने चुनाव आयोग द्वारा दी गई सुविधाओं के अनुसार अपना बैलेट पेपर के माध्यम से अपनी वोट दे दी है। कल 91,884 मतदाता जो है ईवीएम के जरिए अपनी वोट देंगे। अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो 700 सुरक्षाकर्मी जो है इस उपचुनाव में लगाए गए हैं, जिनमें से 121 आईटीबीपी और एसएसपी के जवान हैं और 120 होमगार्ड के जवानों सहित पुलिस के जवान इस सुरक्षा का पूरा जिम्मा संभाले हुए हैं। अगर पोलिंग बूथों की बात की जाए तो 154 पोलिंग बूथ है, जिनमें से 5 पोलिंग बूथ अति संवेदनशील और 41 बूथ जो है संवेदनशील है। इनकी निगरानी के लिए भी पुलिस का पूरा पहरा लगा हुआ है। अगर कोविड नियमों की बात देखी जाए तो इसमें से सभी को मास्क पहनने की और सैनिटाइज़ करने की सुविधा की गई है। कल 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जो है वोटिंग होगी। 6 बजे के बाद अगर कोई कोविड का मरीज होगा तो उनके लिए भी स्पेशल व्यवस्था की गई है। अर्की से जनता टीवी के लिए राकेश कुमार।